नमस्कार, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। शिक्षा का यह अनोखा अंदाज सबको खूब भा रहा है। एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों और वहां के शिक्षक चर्चा में रहते हैं, तो एक बार फिर हर बार की तरह चर्चा काफी तेज है। पर इस बार कुछ ऐसा देखने को मिला जो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। दरअसल भागलपुर जिले के नवगछिया की एक शिक्षिका ने साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। हेमलता चौहान के पढ़ाने का अंदाज बच्चों को खूब भा रहा है। शिक्षिका हेमलता चौहान के पढ़ाने के अनोखे अंदाज की चर्चा आज सभी की जुबान पर है। वो हर दिन नए नए प्रयोग कर बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराती हैं, जिससे बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका शायद ही बेहतर देखने को मिल पाता है, लेकिन पढ़ाने का ये तरीका जमकर सुर्खियां बटोर रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। दरअसल भागलपुर जिले के नवगछिया नगर परिषद की फूलचंद मध्य विद्यालय की शिक्षिका हेमलता चौहान के पढ़ाने के तरीके के लोग कायल हो गए हैं। वायरल वीडियो में शिक्षिका छात्रों से काफी सुरीले और मजाकिया अंदाज में गाने गाकर गुड मॉर्निंग कहने के लिए सिखा रही है और छात्र भी मस्ती से उसे सीख रहे हैं। इसी दौरान साथी शिक्षिका ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो खूब वायरल हो रहा है। शिक्षिका तीसरी से पांचवी कक्षा के बच्चों को वो सिखा रही हैं जो सरकारी विद्यालयों में शायद आठवीं तक बच्चे सीख पाते हैं। इनके इस अनोखे तरीके की वजह से बच्चों में स्कूल जाने को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है और बच्चे रोज स्कूल आना चाहते हैं और मैडम से पढ़ना भी चाहते हैं। तो एक बार खुद देखिए मैडम का तरीका। Thank you.
का कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आगे की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।